मेरे प्यारे साथियों, सबसे अच्छी नज़रें वो होती है जो खुद की कमियों को देखे और दूसरों के गुण देखे, दूसरों के क्वालिटीज देखे और वो क्वालिटी को अपने लाइफ में अप्लाई करे, वो सबसे अच्छी नज़रें होती। ओके, ओह हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल है। बहुत दिनों के बाद आज मैं गार्डन में आया हूँ और आज वर्कआउट भी थोड़ा बहुत किया क्योंकि ऐसा फील हो रहा था गेटिंग नर्वस। तो मैंने सोचा गार्डन ही मेरी सबसे अच्छी मेडिसिन है, वहाँ जाके वर्कआउट करूँगा तो मेरा डे ऑलवेज की तरह एनर्जेटिक हो जाएगा। और अब से मैं डेली आने वाला हूँ क्योंकि वो जो रिलीवर्स आते थे लेट आते थे और धूप जल्दी बढ़ जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता था जाने का। एक्चुअली फ़ायदा तो होता ही है बट थोड़ा शेड्यूल मैंने मैसअप कर दिया था। तो आज से मैं नर्वस फील हो रहा था तो खुद को एनर्जेटिक फील करवाने के लिए मैं आया हूँ। सो लग रहा है थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ। ओके, अभी दूसरी जगह पे जाके बात करते हैं। ओके, सनशाइन देख रहे हो गाइस, थोड़ा बहुत एनर्जेटिक फील हुआ यार। सही में नर्वस फील हो रहा था पर एक्सरसाइज की और थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो फीलिंग एनर्जेटिक है ना। आज जाके अभी खाना बनाऊंगा, खाने की इच्छा भी नहीं थी और मुंह में छाले हुए इसलिए ज्यादा बात भी नहीं कर सकता उनके देख के। वो सब भी एक्सरसाइज करते, सभी फ्रेश नाउ टीम में, सो एक दूसरे को मोटिवेट करते और डेली एक्सरसाइज करते हैं। उनको देख के मुझे भी मोटिवेट होता, मैं भी एक्सरसाइज करने लगता हूँ। आप देख रहे हो एंड वाओ अमेजिंग शूट। ये आसन तो मेरा सबसे फेवरेट, मैं कर रहा हूँ ना पूरा झुक जाता हूँ, बट क्या है डिसकंसिस्टेंसी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, वरना ये तो मैं अच्छे से ही कर लेता हूँ। वाओ मैं तो यार इनको देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि ये अच्छे से योगा कर रहे और सभी आसन अच्छे से कर रहे और इतने मोटिवेट होके जैसे कि और ये मेरा सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ बट कभी कभी यार डिसकंसिस्टेंसी की वजह से अच्छे से सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ मैं। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो लाइफ में, सो आप बहुत एनर्जेटिक फील होगे और मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता चला है। शांति से थोड़ी बैठ के आज आपके साथ मैं डेली रोज़ाना शेयर करता हूँ आपके साथ पावरफुल मोटिवेशंस, कुछ लाइफ रियल लाइफ एक्सपीरियंस बातें शेयर करता हूँ। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, हमारा खाली जेब ही हमारे अपनों का पहचान कराता है, कौन अपना है कौन अपना नहीं है, कौन कितना किसी के लिए कुछ करता है, हमारा खाली जेब ही हमें। क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं और किसी से हम मांगते हैं तो तब जाके उनकी अपनेपन लिख जाती है। ऑलराइट, और दिस इज़ द लाइफ एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी मीन्स लाइफ फॉर लाइफ बैलेंस, बट व्हेन आई एम पेनीलेस, जब मेरे से पास पैसे नहीं होते तो मैं मेरे काफ़ी फ्रेंडों से पूछ मांगता हूँ और बोलते हैं कि यार ये वो रीज़न देते, तब जाके पता चलता है कि नहीं ये अपना है ये अपना नहीं है, क्योंकि दैट इज़ वो टाइम होता है जो हमें अपनों का पहचान करवाता है। सो आज का बात आप समझ गए होंगे। ओके, चलो मिलते हैं, आज जल्दी जल्दी खाना बनाना है, भूख लगी है और थोड़ा नर्वस फील हो रहा हूँ, डांस क्लास भी जाना है एंड आई विल डांस इट एंड मेक अ होल डे एनर्जेटिक। यस, आई बीट माय दिस नर्वसनेस एंड बी अ एनर्जेटिक बॉय, कम ऑन। तो गाइस, मैं अभी वहाँ से आके आराम से सब्जी रोटी बना ली आज, एक घंटे में सब्जी रोटी इतनी अच्छे से बनाई, रोटी भी इतनी फर्स्ट क्लास ना, दिखा लो, देखो आज की रोटी इतनी मस्त बनी है यार, बहुत अच्छी बनाई यार, सच में बहुत अच्छी, सब्जी भी अच्छी, रोटी सब्जी मैंने वो भी 11 बजे से पहले, मीन्स डांस क्लास जाने से पहले बना ली है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे पास। इसलिए गाइस, कभी भी कैसी सिचुएशन आए
तो हमेशा हैंडल कर लेंगे। हैंडल मीन्स यार ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे से नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन ले लेने की। यू कैन, यस ओके, खा लेता हूँ यार, भूख लगी है सारी। उसके बाद आज क्लास में आया हूँ बहुत दिनों के बाद। इट्स टू लॉन्ग मीन्स नॉट मोर देन 1 month बट ओनली 4 to 5 days आई मिस द क्लास बिकॉज ऑफ मैस अप शेड्यूल एंड अननेसेसरी रीजंस। वाओ, कैन सी द सीनरी। गाइस शायद आज भी मेरा सीन हो जाएगा लगता है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ और दोनों क्लास तो बंद है। अच्छे से प्रैक्टिस करने आया हूँ मेहनत से, हर प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि दूसरी क्लास में क्या है, बहुत सारी लड़कियाँ होती, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो वाइब फील होता है। इधर यार अकेला अकेला वाइब फील नहीं होता, बट पर्सनली मुझे सीखना है, बट सर को भी इतना वाइब फील नहीं होता, तो सर भी कुछ नहीं कर सकते, और मुझे भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मीन्स मैं भी छुट्टियाँ ही पढ़ रहा हूँ। So what should I have to do for the same? क्या करूँ, लीव करूँ? पर लीव करूँ तो मैं सोशल मीडिया कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, सो आई नेवर हैव टू लीव, बट क्या ही करूँ। ओके नो प्रॉब्लम, आज थोड़ा बहुत सिखाते, फ़ोन करता हूँ सिखाते, अच्छी बात है, वरना तो कॉलेज जाना है, लैपटॉप ख़राब है, लैपटॉप को ठीक कर पाना है, ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे पेंडिंग ब्लॉग्स है यार, व्हाट द हेल इज बिजनेस वर्क, बिजनेस डेमो सीखने हैं, प्रदीप के कपड़े लाने, बहुत कुछ वर्क पेंडिंग है, तो मेरा माइंड काम नहीं करता यार। जा रहा हूँ मल्हार को लेने नए रूप में, टोपी वोपी पहन के, डेली का रूटीन है 4 बजे उठ जाने का, भले सोए अच्छे से नहीं हुए, पर 4:30 बजे उठ के ना धो के आ ही जाने का, ये हमारी ड्यूटी। सो आई हैव टू गो फास्ट फास्ट, आज तो लेट हो गया हूँ 5 मिनट, क्योंकि मैं हर बार 5:30 को पहुँच जाऊँ, जल्दी जल्दी ओके, जल्दी जल्दी। डोर क्लोजिंग, ये बहुत अच्छा ट्यून है, सुनाई देता है डोर क्लोजिंग में, लीफ में मजा आती है, लीफ में ठंडक ठंडक ठंडक, यस गर्मी में ठंडक। वापिस सीन हो गया, बोला कि आज स्विमिंग भी नहीं है, टेनिस भी नहीं है, घर में बैठो आराम से। माय गॉड, इट्स अमेजिंग, कुछ नहीं है, बैठो घर पे, ये आज ये थोड़ा मज़ा है, मज़ा तो क्या, मेरे को भी काम था बस। चलो जल्दी जल्दी जाके ड्राइंग करना है, भूपेंद्र ने बहुत सारे ड्राइंग दे दिए है, टोपे ने इतना सारा, मेरे माइंड पे बहुत कुछ लोड होता है, उससे पहले उसने बहुत कुछ काम दे दिए, सो आई हैव टू डू द फॉर द सेम। ओके चलो, तो क्या अपना भाई अपना दोस्त, भाई के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, गर्लफ्रेंड के लिए। मेरे प्यारे साथियों सबसे अच्छी नज़रें वो होती है जो खुद की कमियों को देखे और दूसरों के गुण देखे, दूसरों के क्वालिटीज़ देखे और वो क्वालिटी को अपने लाइफ में अप्लाई करे, वो सबसे अच्छी नज़रें होती। ओके आज का कुछ ज्ञान, ओके चलो मिलते हैं।